जम्मू कश्मीर में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जम्मू शहर के बीचों बीच निकलने वाली तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। लहरें इसकी आप देख सकते हैं, पानी का बहाव जो है वो किस प्रकार तेज है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते तवी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे फिर जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको फिर कहीं ना कहीं डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह तवी नदी का जलस्तर जब बढ़ता है तो निचले इलाकों पर खासा असर करता है। और आपको बताऊं कि एक बार फिर तवी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है और इस वक्त हम भगवती नगर पुल पे मौजूद हैं। और आपको मैं नज़ारा दिखाऊँ तो पूरी तवी नदी इस समय के अंदर जो है पानी पूरी तरह से लबालब जो है वो भरा हुआ है। और बारिश अभी फिलहाल जम्मू में थमी है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके चलते अंदेशा यही जताया जा रहा है कि आने वाले कुछ और घंटों में तवी नदी का जलस्तर जो है वो फिर से बढ़ सकता है। और जो निचले इलाकों में खास करके फलाई मंडाल और तवी के जो आसपास और फलाई मंडाल के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उनमें खासा भय व्याप्त हो गया है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो इस पार जो इलाका है वहाँ पर तवी नदी ने कटाव जो है वो शुरू कर दिया है। और जो उस कटाव के साथ रहने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक खौफ जो है वो नज़र आ रहा है। और इस प्रकार अगर बारिश लगी रही, क्योंकि अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक हफ्ते तक जो है बारिश का सिलसिला इसी प्रकार रहेगा और तवी नदी का जलस्तर जो है फिर से बढ़ने की आशंका है। सर बिल्कुल डर रहता है, पिछली बार भी यही हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फ्लो आ गया था। अभी भी आप देख सकते हो क्या हालत है, अभी चल रही है, तो इसका डर तो लगा रहेगा लोगों को जो निचले स्तर पे लोग रह रहे हैं। यहाँ पे गुज्जर नगर है नीचे, तो यहाँ पे लोगों को क्या है अपना देखना चाहिए कि यहाँ पे काफ़ी सारा फ्लड आया हुआ है, तो आगे वाले एरिए में काफ़ी डेंजर जोन बन चुका है अभी को। जी, जिस प्रकार से लगातार पिछले दो दिनों से जम्मू और पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, इसके चलते तवी नदी का जलस्तर जो है बढ़ रहा है। और इस वक्त हम मॉनिटरिंग पॉइंट पर खड़े हैं और हमारे साथ फ्लड एंड कंट्रोल के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से तवी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले कुछ और घंटों में क्या और इसके बढ़ने के आसार हैं? पूरे चांसेस हैं ये पानी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले जो उधमपुर से जो सलमे ब्रिज के पास केस है वो 4.5 मीटर थी, अब 5.5 मीटर हो गई है, तो ये पानी जो है बढ़ सकता है। इस वक्त तवी का वाटर लेवल जो है 11 फीट है और 14 फीट पे हमारा अलर्ट लेवल है, तो थोड़ा ही कम है अलर्ट लेवल से, और 17 फीट डेंजर लेवल है और 23 फीट पे अवैक्यूएशन लेवल है। तो बारिश पीछे भी चल रही है, तो ये पानी के चांसेस हैं कि पानी बढ़ सकता है। और आपके माध्यम से हम लोगों को भी बताना चाहेंगे, वैसे तो हमने जो विलेज लेवल कमेटीज़ हैं हमारी उनको सभी को इन्फॉर्म किया है कि तवी के साइड्स पे जो लोग हैं, तवी के फ्लड जोन में जो आते हैं वो वहाँ से पीछे हट जाएं, तवी के बीच में ना जाएं, जो साइड पे बैंक्स पे लोग हैं वो अपना सामान वगैरह पीछा कर लें और पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो उनको इस्तेमाल करें। ताकि इसी के साथ साथ हम अगर बात करें चिनाब नदी की, तो उसका भी जलस्तर क्या बढ़ रहा है? हाँ, उसका भी बढ़ रहा है, उसकी गेज अब 29 फीट चल रही है और वहाँ भी पानी जो है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया है, जिस प्रकार से तवी नदी और चेनाब नदी के निचले इलाके हैं? हमने टाइम टू टाइम हमने विलेज लेवल कमेटीज़ के मेंबर रखे होते हैं, जैसे सरपंच हैं या ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनको हम टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर रहे हैं। और हमारी फ्लड की एक गेज का एक साइट बनाई हुई है व्हाट्सएप पे, उस पर भी हम अप टू डेट कर रहे हैं गेज, उनमें भी लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जाती है, पुलिस वालों को जाती है, आर्मी पर्सनल्स को जाती है, और लोग जो हैं वो राइटली इन्फॉर्म हो रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये थे हमारे साथ फ्लड एंड कंट्रोल के अधिकारी, जिनका कहना है कि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके चलते तवी नदी का जल स्तर जो है वो और बढ़ने की आशंका है, और वहीं जो निचले इलाके हैं उनमें एक अलर्ट जारी जो है वो कर दिया गया है। कैमरामैन सनी कुमार के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जेके न्यूज़ टुडे जम्मू।